कोई शक नहीं कि यह एक बड़ा प्लेग्राउंड है। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं कोई शक नहीं, जैसे कोई शक नहीं तुम सबसे ज्यादा होशियार लड़के हो, कोई शक नहीं तुम सबसे ज्यादा होशियार आदमी हो, कोई शक नहीं कि वह सबसे अच्छा खिलाड़ी है, कोई शक नहीं कि वह सबसे अच्छा उस्ताद है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं कोई शक नहीं को बोलने के लिए आप कहेंगे इट इज बाय फार। उसके बाद आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो कि कोई शक नहीं ये सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज बाय फार द बिगेस्ट प्लेग्राउंड, यानी कोई शक नहीं कि ये सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए मैंने बोला इट इज बाय फार प्लस सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस का एक और मीनिंग होता है कि इस टक्कर में कोई दूसरा बिल्डिंग नहीं है, यानी बात वही है जैसे आप इस बात को समझ जाएं। कोई शक नहीं तुम सबसे अच्छा खिलाड़ी हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर बाई फार द बेस्ट प्लेयर, यानी तुम्हारे टक्कर में कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है। कोई शक नहीं आप सबसे अच्छे उस्ताद हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर बाई फार द बेस्ट टीचर। कोई शक नहीं ये सबसे अच्छा चैनल है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज बाई फार द बेस्ट चैनल। कोई शक नहीं तुम सबसे होशियार आदमी हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर बाई फार द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, यानी कोई शक नहीं कि तुम सबसे ज्यादा होशियार आदमी हो। कोई शक नहीं कि ये सबसे अच्छा इंग्लिश क्लास है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज बाई फार द बेस्ट इंग्लिश क्लास। कोई शक नहीं कि वह सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज बाई फार द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी उसके टक्कर में कोई दूसरा नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ आप कहते हैं कि इसके टक्कर में कोई दूसरा नहीं है, या ये सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा है, या इस बात में कोई शक नहीं को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।